और इस वक्त आपको एक दुखद खबर दे दें, जानकारी दे दें कि सिस्टर निर्मला का निधन हो गया है। मदर टेरेसा की जो मिशनरी थी उसकी हेड थी मदर टेरेसा के बाद, और उनका निधन हो गया है। ये इस वक्त की दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। सिस्टर निर्मला का निधन हो गया है कोलकाता में, और ममता बनर्जी ने भी ये जानकारी दी है, ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। सिस्टर निर्मला का निधन हुआ है। प्रकाश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, कब अंतिम सांसें ली? देखिए, हमें खबरें मिल रही है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख सिस्टर निर्मला का आज देहांत हुआ है। आज तड़के हमें ये खबर मिली है। अभी मिशनरीज के हवाले से इस खबर की पुष्टि की गई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज तड़के उनका देहांत हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मदर टेरेसा के देहांत के बाद सिस्टर निर्मला मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख थी। वहाँ वही देखभाल करती थी। और कुल मिलाकर हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस घटना के बाद दुख प्रकाश किया है। और मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की तरफ से अभी तक इस बात का साफ नहीं किया गया है कि देहांत की वजह क्या है, लेकिन प्राथमिक तौर पर हमें जो पता चल रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से सिस्टर निर्मला का देहांत हुआ है। तो हम मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के जो सदस्य हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि सिस्टर निर्मला ने आज अपनी अंतिम सांसें ली हैं। जी प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सिस्टर निर्मला की भूमिका के बारे में, साथ ही मिशनरी से वो किस तरह से जुड़ी हुई थी और अपने कामकाज को आगे बढ़ा रही थी, किस तरह का इतिहास रहा सिस्टर निर्मला का? देखिए, मैं आपको बता दूं, सिस्टर निर्मला जो है लंबे समय से, सालों से मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन मदर टेरेसा के ध्यान के बाद से वही सक्सेसर थी। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जितनी शाखाएं थी, हर शाखा की प्रमुख थी, वही देखभाल करती थी, वही काम संभालती थी। खास तौर पे मदर टेरेसा के देहांत के बाद से सिस्टर निर्मला प्रमुख मानी जाती थी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की। और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं, ऐसी ही जानकारी हमें मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से मिल रही है। उनकी उम्र 81 वर्ष थी। काफी लंबे समय से हमें जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के सदस्यों से बात करके हमें पता चला, वो बीमार चल रही थी। प्राथमिक तौर पर जो हमें सूचना मिल रही है, दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, काफी लंबे समय से मिशनरीज ऑफ चैरिटी से वो जुड़ी हुई थी, और खास तौर से मदर टेरेसा के निधन के बाद से वही पूरा काम संभाल रही थी। जी, तो जिस तरह से प्रकाश हमें बता रहे हैं सिस्टर निर्मला के बारे में, कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख थी और मदर टेरेसा के बाद वो प्रमुख थी, लंबे समय से वो इस पद पर थी। इसके अलावा कोलकाता में सिस्टर निर्मला का योगदान काफ़ी अहम था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से जुड़ा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है और श्रद्धांजलि भी दी है। मदर टेरेसा की जो मिशनरी है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसकी प्रमुख थी सिस्टर निर्मला, उनका निधन हुआ है, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, जैसे कि प्रकाश जानकारी दे रहे हैं। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। प्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सिस्टर निर्मला से जुड़ा कोई परिवार, उनकी कोई खैर खबर या जानकारी इस वक्त मिल पाई हो? प्रकाश से लगता हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख थी और जितनी भी शाखाएं चल रही थी इसके, वो भी पूरी प्रमुखता से उन्हें हेड कर रही थी सिस्टर निर्मला। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। बताया जा रहा था कि उनकी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, जैसा कि प्रकाश हमारे संवाददाता बता रहे थे, उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन फिर आज तड़के सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हुआ है। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख सिस्टर निर्मला का निधन हो गया है, 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्होंने आज तड़के सुबह अंतिम सांसें ली। सिस्टर निर्मला के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि मदर टेरेसा के बाद प्रमुखता से उन्होंने ये भूमिका संभाली मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ने ट्वीट करके जानकारी दी, सिस्टर निर्मला के निधन की खबर से दुख हुआ। वो मदर टेरेसा के बाद मिशनरी की हेड थी। कोलकाता के साथ ही पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जाता था और पूरी दुनिया उन्हें याद करेगी। ये ट्वीट किया है ममता बनर्जी ने और जानकारी दी है, साथ ही श्रद्धांजलि भी दी है। तो सिस्टर निर्मला का निधन हो गया है, दिल का दौरा पड़ने से, 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ।